को देखे ना देखे हमें गम नहीं मगर तुझको देखे बिना नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो आप भी इस प्रकार का ग्लो इफेक्ट एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपल लाइट मोशन को ओपन करना होगा। तो ओपन करते हैं, प्लस पे टैप करेंगे, 9:16:9 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 1080p क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ब्लैक स्क्रीन में प्लस पे टैप करेंगे। इमेज मेन्यू में जाना है, सॉन्ग ले लेते हैं कॉन्सेंट टैप करेंगे, इसको एक्सट्रैक ऑडियो है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको वीडियो डिलीट कर देंगे। गाइस, आपको लिरिक्स लिख लेना है, लिरिक्स में प्लस पे टैप कर टेक्स्ट पे जाइए, उसके बाद आपको लिरिक्स लिख लेना है। तो हम बड़ी अक्षर में लिख लेते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रिप नाम का एक फॉन्ट होगा, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस पर टैप करेंगे, बीचों बीच ले आते हैं। उसके बाद साइज पे जाएंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है, साइज वाले पे ऑप्शन पे जाना है, उसको बीचों बीच ले आते हैं। उसके बाद आपको इस पर इफेक्ट देना है। इस पर इफेक्ट देने के लिए आपको इस पर टैप करेंगे, कलर पर जाएंगे, इस पर टैप करेंगे और इसको हम कलर इफेक्ट कुछ कलर दे देते हैं। यहाँ पर रेड सेलेक्ट करते हैं या ब्लू सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको हम पूरा डार्क कर देते हैं। उसके बाद वाइट को हमको हल्का सा इस तरह से अगर सेट कर देते हैं। उसके बाद इस पर लिरिक्स पर टैप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे और उसके बाद आपको मोवन ट्रांसफॉर्म, तो मोवन ट्रांसफॉर्म जा ऑप्सिलेट इसको सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाते हैं, उसको एंगल 180 डिग्री कर लेना है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी, तो स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस आइकन देना और बीचों बीच एक प्लस आइकन देना है, तो उसको हम 2 रखना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, तो उसके बाद आपको 3.98 रखना है। उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड में आना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है, उसके बाद बीचों बीच एक प्लस आइकन देना है, तो इसको आप 30 का देना है, 30। उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद इसको 150 तो रख देने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद ये डिफेक्ट में जाना है, उसके बाद मूवन ट्रांसफॉर्म फिर से जाना है, उसके बाद रेंडर इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग के क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको इसको ओपन करते हैं। मैग्नीट्यूड को 2% ओनली रखना है, उसके बाद आपको 2 नंबर पे आ जाना है और उसको स्टार्टिंग में प्लस आइकन देंगे और बीचों बीच एक प्लस आइकन देंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे उसको ओनली इसको 14.98 रखना है, 15 के आसपास रखेंगे। उसके बाद बीच में आ जाते हैं, बीच में आपको 30 डिग्री 30.16 रखना है। उसके बाद स्पीड को बढ़ा के 3 रखते हैं। तो उसके बाद बैक आ जाना है, उसके बाद एक इफेक्ट और ऐड करना है, वन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर से स्विंग इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी आपको हल्का कम कर लेना है, 1.50 के आसपास रखना है। एंगल 1 पे आना है और इसको हम 3 डिग्री रखेंगे। एंगल 2 पे आना है, इसको भी हम थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, इसको भी हम 3 डिग्री रखेंगे। और उसके बाद आपको फेज पे आ जाना है, फेज को हल्का 0.20 रखना है। उसके बाद बैक आ जाना है, तो उसके बाद आपका इफेक्ट बन के रेडी हो गया है। तो आपको इसको कॉपी करना है,
दूसरा लिरिक्स लिखने के लिए। अगर इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिरिक्स, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेकेंड लिरिक्स लिख लेते हैं। तो सेकेंड लिरिक्स लिख लेते हैं। तो ऐसा सेकेंड लिरिक्स लिख लेते हैं। उसी प्रकार से सारे लिरिक्स लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस, एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको नोट वीडियो में चलते हैं। नोट वीडियो को ओपन करते हैं, प्रो मोड में जाते हैं, न्यू पे टैप करेंगे। उसके बाद आप प्लस पे टैप करेंगे। आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना, प्लस पे टैप करना, मीडिया पे जाना है, वीडियो पे जाना है, जो एलाइट मोशन से वीडियो बनाया है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको वीडियो को हल्का प्ले करके सुन लेना है। तो ये लिरिक्स आ रहा है, इस पर प्लस पे टैप करना है, ग्रे कलर का जो है इस पर टैप करना है। उसके बाद एसएस स्टोर में जाना है और उसके बाद आपको रेस इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इसको 50 रहने देना है दोनों को। और उसके बाद इसको ब्राइटनेस को हल्का कम करते हैं। जीरो पॉइंट जीरो फाइव के आसपास रखना है। उसके बाद आपको अमाउंट को 0.95 रखना है। उसके बाद टू नंबर को आपको 90 डिग्री रखना है। विड्थ को 0.6 रखना है। इफेक्ट बन के रेडी हो गया। उसके बाद फिर से प्लस पे टैप करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ग्लो, ये सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करके बैक आ जाना है, ये जो सेलेक्ट है उसको बैक आ जाना है। उसके फिर से प्लस एसएस स्टोर में जाना है। उसके बाद नीचे है फ्ले इसी नाम का इफेक्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम 0.75 रखते हैं। उसके बाद 0.2 नंबर को 0.6 रखते हैं और इसका जो क्वालिटी है इसको हम 2% रखते हैं। उसके बाद आपको ब्लर होगा तो ब्लर को हम इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाना, लास्ट में आपको 0.4 रखना है इसको। तो आपका इफेक्ट बनकर रेडी हो गया। तो इस पर आपको रूट वाले सिंबल पे टैप करना है, एक्सपोर्ट पे टैप करना है और रेड कलर का जो है, ग्रीन कलर का वीडियो का जो सिंबल है उस पर टैप कीजिए, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।